फ्रेंड्स, ये मैं दूसरा लेयर डाल रही हूँ और सॉरी पहले वाला वीडियो में पूरा नहीं हो पाया था, क्या कहा कि मेरा मोबाइल भी ऑफ हो गया था। मैं फिर से स्टार्ट की हूँ वीडियो और इसमें मैं दूसरा लेयर कर चुकी हूँ। अब मैं इसे ऊपर से कुकी डाल के इसको मैं रबड़ से मैं इसको कवर कर दूँगी, बंद कर दूँगी। और बंद करने के बाद इसमें प्लास्टिक में बाहर से पेंसिल या पेन से आठ तक छिद करना पड़ेगा ताकि इसमें हवा जाता रहे। तो बंद कैसे करना मैं दिखाती हूँ। ऐसे कुकर से अच्छे से दबा दबा करके रबड़ लगा देना है। मेरा एक पैकेट तैयार है और ये दूसरा पैकेट भी तैयार है। इसको मैं रबड़ लगा देती हूँ और इसको रखना है अंधेरा रूम में। धूप में नहीं रखना है, धूप में ख़राब हो जाएगा। अंधेरा रूम में तो मैं रख करके इसको अभी पानी हल्का हल्का स्प्रे करना है ताकि पानी देंगे तो कम से कम चार पानी दो भी कुछ नहीं करना है। फिर इसको अंधेरा रखना है और झींगा और कपड़ा रखना है, मैं ढक के इसको रखना है। ये मेरा दो पैकेट तैयार है। देखिए इस तरह से इसको अंधेरा रूम में रखना है ताकि सनलाइट इसमें ना पड़े। और जिस तरह से मेरी बेटी कहीं कहीं छिद्र कर रही है बीच बीच में, वैसे ही सारे पैकेट में छिद्र कर देना है ताकि उसमें हवा जाता रहे। और नमी तो अंदर से है ही, इसमें पानी नहीं डालना है अभी, इसको बस ढक के रखना है। देखिए दोस्तों ये मेरे दोनों मशरूम का पैकेट बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी, बस सिर्फ इसमें मैं कपड़ा भींगा हुआ कपड़ा ढक के रखूँगी और 5-6 दिन में इसमें वाइट होने लगेगा, फफूंद आने लगेगा, तब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रे करूँगी ऊपर से। अंदर में तो कुट्टी में नमी है ही, इसलिए ऊपर से पानी डालूँगी। और लगभग 1 मंथ होने के बाद या 25 दिन में इसमें पूरा पैकेट वाइट हो जाएगा, जो मैं पहले वीडियो में दिखा चुकी हूँ कि उसका पैकेट कैसे रहता है। उसके बाद धीरे धीरे इसमें मशरूम निकलना शुरू हो जाएगा। और मशरूम को कैसे तोड़ना है, उसको फिर उसका सब्जी कैसे बनाइए, मैं पहले के ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ। इस ब्लॉग में इतना ही। और प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे और भी वीडियो बनाने का प्रेरणा मिलता रहे। मैं ऐसा ही कुछ कुछ वीडियो बनाती रहूँगी क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, तो गांव का ही कुछ कुछ डालूँगी। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।